हेलो फ्रेंड्स, पूजा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। रेणुका माता मंदिर बुरहानपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यहां पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आते हैं। जागृत शक्ति पीठ के रूप में माँ यहाँ स्वयं विराजमान है। तो चलिए जानते हैं माँ रेणुका और इस प्राचीन मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स, आप ये स्तंभ देख सकते हैं, यहाँ दीप जलाए जाते हैं। विशेष अवसरों पर दीयों के उजालों से मंदिर की सुंदरता और अधिक आकर्षित प्रतीत होती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 350 वर्ष पहले माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ रेणुका सप्त ऋषि में से एक जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। महाप्रतापी परशुराम इनके सबसे छोटे पुत्र थे। वही परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने ही पिता के कहने पर अपनी ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। मुख्य प्रवेश द्वार पर दाएं और बाएं तरफ मूर्तियां बनाई गई है जो अभी खंडित हो चुकी है। साढ़े 300 वर्ष पुराना मुख्य दरवाजा हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसे वर्तमान में नवीन रूप प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने पर हमें हवन कुंड दिखाई देता है। धार्मिक अवसरों पर यहाँ हवन तथा यज्ञ कराया जाता है। मंदिर के सामने की दीवारों पर विभिन्न रंगों तथा फूलों की चित्रकारियों को उकेरा गया है, जो मंदिर को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करती है। मंदिर के दरवाजे के ऊपर आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई है। हर मूर्ति हर कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। फ्रेंड्स, मंदिर में प्रवेश करने पर हमें माता रेणुका के दर्शन होते हैं। माता रेणुका का अलौकिक मुख उषा के वर्ण का है, ये उदिति मुखा भी कही गई है। माता रेणुका के नाम में ही ममता, त्याग, बलिदान और शक्ति जैसे अद्भुत गुण समाये हैं। वे अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत उनके कष्टों का निवारण कर देती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि माता के इस मंदिर में सच्चे मन से की गई अरदास जरूर पूरी होती है। मंदिर की दीवारों पर बनाए गए ईश्वरीय चित्र वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना देते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर की अंदर की दीवारों पर सुंदर बारीकी नक्काशी की गई है, जिसे आने वाले भक्त देखते ही रह जाते हैं कि उस समय के कारीगर कितने प्रतिभाशाली हुआ करते थे। माता के दर्शन करने के बाद हमें नंदी और शिवजी के दर्शन होते हैं, जहां भक्त हमें पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं।
मंदिर के पिछले भाग में भक्तों के ठहरने और धार्मिक अनुष्ठानों की भी व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, ये मंदिर की पिछली दीवार है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर कोई सच्चे मन से सिक्का चिपकाए तो माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जहाँ दुर्लभ एक लिंगी शिव के रूप में ये स्वयं विराजित है। फ्रेंड्स, मंदिर परिसर के अंदर ही प्राचीन पवित्र पीपल का वृक्ष भी है, जहां स्वयं देवी देवता का वास होता है। फ्रेंड्स, यहां माता एवं श्रद्धालु परिक्रमा कर पूजन भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता रेणुका की पूजा करने के पश्चात भैरवनाथ जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाती है। मंदिर के समीप ही मंदिर के निर्माणकर्ता गुरु अनंतानंद शुक्ल जी महाराज की समाधि स्थित है। नाग पंचमी के दिन सभी श्रद्धालु नाग देवता को दूध चढ़ाने आते हैं। नाग पंचमी के दिन बस यही कामना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा पूर्ण करें। फ्रेंड्स, हम मंदिर परिसर के बाहर आए जब हमने देखा कि यहाँ पर एक सुंदर गार्डन है, लेकिन फ्रेंड्स किसी कारण से ये गार्डन बंद हो चुका है। अभी ये 2 बजे खुलने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको गार्डन जरूर बताएंगे कि कितना सुंदर गार्डन है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो बाहर से ही देख सकते हो आप, क्योंकि अभी तो 2 बजे खुलने वाला है, तब तक हमें बहुत टाइम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।